चल इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश में ताऊते तूफान का असर दिखाई दिया, भोपाल में गरज चमक के साथ बारिश हुई। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में ताऊते तूफान का असर दिखाई दिया, भोपाल में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। वहीं मंदसौर में आंधी तूफान से पेड़ भी गिरे। होशंगाबाद के सिवनी मालवा में अलर्ट जारी कर दिया गया है, दो दिन घर से ना निकलने का अलर्ट जारी किया गया है, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उज्जैन होशंगाबाद संभाग में भी बारिश की संभावना है। भोपाल इंदौर ग्वालियर चंबल में ताऊते तूफान का असर रहेगा। चलिए इसी खबर पर और अधिक विस्तार से जान लेते हैं। वैभव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वैभव जी, मध्य प्रदेश में ताऊते तूफान का असर कल भी दिखाई दिया और आगे भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बिल्कुल, चक्रवाती तूफान ताऊते का जो कहर है वो लगातार भारत में देखने को मिल रहा है। हालांकि ताऊते तूफान ने अपना जो रास्ता है उसे थोड़ा सा बदला है। पहले जहां ताऊते तूफान द्वारका से टकराने वाला था, लेकिन अब चूंकि द्वारका से 100 किलोमीटर दूर से ताऊते तूफान निकला है, अब इसके दमनदीप से टकराने की ज्यादा संभावना है। सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो गुजरात में हो सकता है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है। कल हमने देखा कि केरल में किस तरीके से भारी बारिश हुई, गोवा में भी भारी बारिश हुई, घरों में पानी भर गया। चूंकि कोरोना के चलते वैसे ही लोग परेशान हैं, तो इन ताऊते तूफान ने उनकी परेशानी को बढ़ा दिया है। हालांकि ताऊते तूफान अपना रास्ता बदल रहा है, लेकिन उसके बाद भी ताऊते तूफान का इफेक्ट पश्चिमी मध्य प्रदेश मतलब भोपाल इंदौर जबलपुर उसके साथ ही जबलपुर चंबल जो संभाग है वहाँ पर ज्यादा देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भारी बारिश की चेतावनी का अनुमान मौसम विभाग के द्वारा जताया गया है। कल भी हमने देखा कि कल देर शाम ठंडी हवाएं चल रही थी, उसके बाद एकदम से हवा चलने की रफ्तार में इजाफा हुआ। देर रात एक से दो घंटे भोपाल में भी भारी बारिश हुई, तो होशंगाबाद के सिवनी मालवा में तो मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट भी जारी किया गया कि 1 से 2 दिन लोग अपने घरों से बाहर ना निकलें, नदियों के पास ना जाएं, क्योंकि भारी बारिश के चलते नदियों में भी उफान आने की संभावना है। तो ताऊते तूफान का इफेक्ट मध्य प्रदेश के पश्चिमी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। वहीं हम राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो गुजरात से जब ये तूफान गुजरेगा तो भारी नुकसान होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, क्योंकि केरल में हमने इसका इफेक्ट देखा है, गुजरात में भी हमने ताऊते तूफान का इफेक्ट दिया। किस तरीके से बारिश का पानी घरों में भर गया, तो लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है। जिस तरह का मौसम विभाग का अनुमान है, तो लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें। जी बिल्कुल वैभव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो केरल गुजरात में तो असर देखा ही गया ताऊते तूफान का, प्रदेश राजधानी भोपाल में भी कल शाम देखा गया तेज बारिश हुई आंधी तूफान के साथ। इसी के साथ मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए होशंगाबाद के सिवनी मालवा में अलर्ट जारी कर दिए हैं।